राजनीति के गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, खेल के मैदान से लेकर फिल्म की चकाचौंध तक, फिल्म की चकाचौंध से लेकर आम लोगों के घर तक, आम लोगों के घर से लेकर जुलम की अंधेरी दुनिया तक, हर जगह हर समय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुखविंदर शेरगिल। आप देख रहे हो पंजाब फास्ट न्यूज। लोगों को होना होगा जागरूक, तभी कर सकते हैं एक अच्छे ग्राहक का रोल अदा। चंडीगढ़ कंज्यूमर संघ ने गवर्नर के सामने उठाए जनता के मामले। प्रशासन से की अपील, जनता के साथ आए, नियम बनाकर नहीं होगा हल। और इसके अलावा बैट की आड़ में जनता को लूट रहे लोगों पर की कार्रवाई की मांग। देखिए, आज सजेशंस हमने मांगे हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। हम सब कंज्यूमर्स हैं और जब हम कंज्यूमर्स हैं तो हमारे राइट्स भी हैं। और जो नया डिजिटल सिस्टम आया है उसके अंदर जो नई चीज़ें आई है तो नए चैलेंजेस आए, उसके अंदर जो लॉज भी बने हैं, रूल्स भी बन रहे हैं और उसके अंदर जो कमी है वो हम लोगों को बताएं। मैंने तो ये भी कहा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हम लोग ऊपर भी लिखेंगे। और डिजिटल जो नया ई वे शुरू हुआ है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आए, रूल्स भी बने और ये जो नई व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चले, हम सब चाहते हैं। आज के दिन के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी नई बातें आएगी उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मैंने ये भी कहा कि आपकी समस्याएं दूसरी भी हों वो मेरे पास भी आ सकते हैं। ये इंतज़ार नहीं करें कि अगले साल जब कंज्यूमर डे आए जब भी मेरे सामने आए, आप लोग ऐसे भी मेरे पास आकर अपने सजेशंस दे सकते हैं। डिजिटल जो हाईवे शुरू हुआ है कंज्यूमर्स के लिए और जो नई नई टेक्नोलॉजी है कि आप अपने जो भी कुछ चाहिए आप डिजिटली आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके अंदर जो फ्रॉड हो जाए या जो भी कोई कमियां हैं वो उसकी पूर्ति होने के लिए, उसके लिए नए नए कानून बनने के लिए, उसमें जो कमी है उसको ठीक करने के लिए आज कॉन्फ्रेंस की बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ें, इस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों को बहुत अच्छे सुझाव भी आएंगे। नहीं, इसमें पहल वाली बात नहीं है। देखो, वैट इससे मैंडेटरी, तो वैट के लिए तो हम जो भी गवर्नमेंट ने वैट फिक्स जो भी उसके लिए कर दिया, ये वैट, ये सेल टैक्स, ये लोकल टैक्स, ये बाहर का टैक्स, ये स्टेट का टैक्स, ये चुंगी, इन चीज़ों को हटाने के लिए ही हम लोगों ने बहुत देर से स्ट्रगल किया है कि कॉमन टैक्स होना चाहिए। कम से कम कॉमन टैक्स ऐसा होता है उसमें किसी को तकलीफ नहीं होती। अब पाँच पाँच जगह हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स वाली हाल है ना, एक कमाओ तब भी टैक्स, जमा कराओ तब भी टैक्स, निकलाओ तब भी टैक्स, तो ये तो गलत था ना। अब GST जब तक ये बल्कि आता नहीं, क्लियर नहीं होता, तो जब तक तो हमें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। अदरवाइज वैट जो है थोड़ी धंधेबाजी इसमें चलती है, लूट हम जाते हैं, लूट वो लेते हैं, और जिन्होंने लगाया गवर्नमेंट उसको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। मैक्सिमम मामले घोटाले के हैं। उसमें क्या करते हैं कि लोग वैट आपसे ले लिया, बाद में कैंसिल कर दिया। कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि वैट जो है रिफंड लिया उन्होंने कई कई लाख में। अभी लुधियाना का केस आपने पढ़ा होगा शायद। तो ये तो बल्कि इसके लिए हम मजबूर हैं, बल्कि कुछ कर नहीं सकते। अब आज आपने सुना ही होगा कि मैंने जो कुछ भी उनको कहा है वो हमारे दिल की भड़ास थी। नहीं, हमारे लिए ऐसा था कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पढ़ते, हम बड़ी चीज़ें लेना चाहते हैं। हम एजुकेशन को लेना चाहते हैं, हम हेल्थ को लेना चाहते हैं, हम सिक्योरिटी को लेना चाहते हैं, बल्कि जैसे वुमेन राइट है उसकी सिक्योरिटी है। ये पॉलिटिशियन है, वोट लेनी है तो 33% देंगे, बाद में 3% भी नहीं दिया जाता इनसे। स्टेट है चाहे वो पब्लिक है, उन सबको एक दूसरे के साथ डायलॉग और कंसल्टेशन के साथ काम करना है। ये छोटा सा इशू जो मीटर, पानी मीटर की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया है और इफेक्ट भी नेगेटिवली पब्लिक को कर रहा है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये कहती है कि साहब ये गलत आपका फैसला है, तो उसको रिव्यू करने में और उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। बट उसके लिए अगर आप ये कहेंगे कि हम तो कुछ करेंगे नहीं और फिर जाइए आप कचहरी में, तो क्यों जाएं पब्लिक कचहरी में? अपना पैसा भी खर्च करें, समय भी बर्बाद करें। एज ए मॉडल गवर्नमेंट, एज ए मॉडल स्टेट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन एवरी एस्पेक्ट। एंड इफ द पॉजिटिव फीडबैक इज कमिंग टू यू, तो उस फीडबैक को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको एज ए
चैलेंज लेना चाहिए, सेंसिटिविटी के साथ लेना चाहिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहिए पंजाब फास्ट न्यूज। गोकल फीड का जादू ये पशुओं को मैं खिलाता हूँ, गाय भैंस देती दूध घना, हैरान मैं हो जाता हूँ। जी हाँ, गोकल पशु आहार, जो जाने पशुओं के दिल की बात। पंजाब फास्ट न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर एडवोकेट अरविंद सेठ की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के दौरान डीजीपी केपी सिंह ने पुलिस और सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट के माध्यम से डीजीपी केपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दो पीआईएल पर सुनाई हुई है, जिन पीआईएल पर ये कहा गया था कि जाट जो धरने पर बैठे हैं पर्टिकुलर कास्ट आरक्षण के मामले में, वो रास्ता ब्लॉक ना करें, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, और जो अर्लियर एपिसोड हुआ 2016 में, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड। इस पर कोर्ट ने सुनाई की और कोर्ट ने इस केस में जो पहले नोटिस ऑफ मोशन किया हुआ था उसमें आज यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल हाईवे की तरफ से एडवोकेट्स पेश हुए हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने पेश होकर अपना जवाब दाखिल किया है। जो प्राइवेट रेस्पॉन्ड नंबर 7 यशपाल मलिक को जो पार्टी बनाया था, नोबडी अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर यशपाल मलिक, देन कोर्ट आस्क हिम टू सर्व दस्ती नोटिस एंड नाउ डेट इज फिक्स फॉर 31 मार्च। और जो दूसरी पिटीशन है उसमें क्या हुआ? शक्ति सिंह की पिटीशन में स्पेसिफिक इज कोर्ट आस्क की फाइल इन स्पेसिफिक एफिडेविट व्हाट इज द इनकम एंड इनकम टैक्स, इनकम ईटीसी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और जो ना ईटी फाइल इन स्पेसिफिक एफिडेविट रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पीआईएल। ये जो पिटीशन है ये एंटायर एक्ट को चुनौती देने वाली पिटीशन है जिसमें मांगा है, एक्ट को नहीं चैलेंज कर रही है, इट इज लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल्स एंड नॉट ब्लॉकेज द हाईवे रेलवे लाइक एज दे आर थ्रेटनिंग, हम जो 20 को दिल्ली का घेराव करेंगे, तो सच टाइप ऑफ इंसिडेंट शुड नॉट बी टेक प्लेस बिकॉज द पीपल ऑफ द हरियाणा अंडर द थ्रेट और फियर्स, पीपल कैन नॉट गो बाईपास रोहतक एंड गवर्नमेंट इज टोटली फेल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। तो गवर्नमेंट की तरफ से आज कोई जवाब आया है? गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है, सरकारी वकील ने जवाब दाखिल किया है, तो उसका अभी अध्ययन किया जा रहा है, उसके बाद कोई बात बताई। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई जवाब आया? डीजीपी वो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जो पुलिस हरियाणा सरकार की तरफ से जो फाइल हुआ है वो डीजीपी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, तो दैट इज वन फॉर ऑल ऑफ फ्रॉम द हरियाणा स्टेट। आई एस एन यादव, एडवोकेट हाईकोर्ट चंडीगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नई और ताजी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके रूबरू हूंगा मैं, आपका सुखविंदर शेरगिल।